सर अभी एक स्टडी आई है नई नई, उसमें ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से अल्जाइमर डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है, तो ये हमारा आज का हाईलाइट है। मैं आपसे सब जानना चाहूंगी कि इज इट ट्रू, ऐसा हो सकता है? आपने बताया कि अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है फास्टिंग को, तो आपने बताया कि अगर आप फास्ट फूड रहे हैं तो कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, या फिर जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। एक मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे हम फास्ट रख रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग हम कर रहे हैं, एंड हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में करना स्टार्ट कर दिया, हम उसको मंथली बेसिस पर कर रहे हैं, या फिर हमको हो गया अभी उसको प्रैक्टिस करते करते 4-5 दिन हो गए हैं, तो जब हम वो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो तब हमको किस तरह का खाना कंज्यूम करना चाहिए, या फिर जैसे लोग कहते हैं कि अभी डाइट पर है, ठीक है, और वो कहते हैं कि डाइट पर है, बट वो जब इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, फिर कोई भी फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो उस टाइम तो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब नहीं है जो पीरियड है 8 आवर्स तो उसमें कुछ भी खा रहे होते हैं या फिर कुछ नहीं खा रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि फ्रूट से खाना है, अच्छी चीजें खानी है, बट कुछ लोग ये करते हैं कि ओके 8 आवर्स कुछ भी खाया एंड 12 आवर्स फास्टिंग कर ली। तो आई रियली वांट टू नो दिस बैलेंस। सो eating, so हमने फास्टिंग पीरियड के बारे में तो काफी डिस्कशन कर लिया, सो वी नो कि सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, एंड मैंने ये भी बता दिया आपको कि व्हाट हैपेंस इन द बॉडी। तो फास्टिंग पीरियड हैज बीन एक्चुअली प्रॉपर्ली कवर्ड। नाउ कमिंग टू द ईटिंग पीरियड जो आप पूछ रहे हो, बेसिकली ऐसा नहीं है, जैसा कि आई टोल्ड यू फास्ट आप तोड़ रहे हो अगर खराब तरीके से, ईटिंग पीरियड में अगर आप कुछ भी नेगेटिव करेंगे इट इज नॉट गुड फॉर यू, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग। सी टुडे वी हैव एक्सेस टू eating out, ordering out, so much of processed and junk food. We did not have all that. ना पहले घर का ही खाना खाते थे, पहले लोग हेल्दी रहते थे, अच्छा जीते थे, यंग लगते थे, एक्टिव थे। यू नीड टू प्रैक्टिस द सेम प्रिंसिपल्स। आइडियली यू शुड ईट होममेड फूड, बिकॉज नाउ इफ आई वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मैं ये क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ, यू नो एज पार्ट ऑफ माई सर्विसेज दैट आई ऑफर टू देम, आई गिव देम ट्रैवल टिप्स। चलो आप ट्रैवल तो करोगे ना, पहले लोग ट्रैवल कम करते थे 100 साल पहले, अब आज ज़्यादा करते हैं क्योंकि ईज है लोगों के पास, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, तो ठीक है हम ट्रैवल करेंगे, हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, उस टाइम हम ना गिट लेंगे बट आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं हम, सो दैट यू कैन फॉलो दोज, सो दैट देर इज नॉट 100% डैमेज बट मे बी देर इज जस्ट 50% डैमेज। सिमिलरली इफ यू गोइंग आउट टू सोशलाइज, विच अगेन वी डू अ लॉट नाउडेज एज कम्पेयर टू मेबी 50 इयर्स अगो, सिमिलरली Be smart. Alcohol consume करना है तो करिए, but consume it in moderation. किस type का alcohol करना है वो हम बता देते हैं, कैसे consume करना है, what are the food items to eat with it, for example. So in these circumstances, I would say I like to be practical. कि deviations होंगे, but in that also we can be very smart. सर वैसे जो भी मैं सवाल करने वाली हूँ कहीं ना कहीं कवर हो गया है, बट मैं उसको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग उसको और इजीली समझ पाएंगे। जैसे 6 डेज हमने फास्टिंग की, हमने अच्छा फूड खाया, जैसे बोलते हैं कि हम तो डाइट पर, अच्छी डाइटिंग उन्होंने की, बट एट लास्ट डे चीट डे जो होता है, चीट डे पर वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी वो करते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हमें पता है कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कहीं ना कहीं, बट आई वॉन्ट सिंपल आंसर ऑफ इट कि क्या चीट डे कुछ सिम्टम्स आए, यू माइट फील सम डिस्कम्फर्ट और समथिंग, एंड यू माइट नॉट, यू माइट फील ग्रेट, हो सकता है बहुत अच्छा लगे, डोपामिन किक मिलता है हमें, रिवॉर्डिंग है, मैंने आइसक्रीम खा लिया, जो है आई हैड छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, व्हाटएवर इट इज, ओके आई डोंट, बट द आइडिया इज यू हैव डन द डैमेज। अब जब भी आप डैमेज करोगे, ठीक है, आप ये समझो से कि शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन होते हैं, ठीक है, अप अप नहीं रहता, डाउन भी जाता है, आपने डाउन कर दिया उस एक दिन के लिए, नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी हेल्थ से क्या चाहिए, आपको कितना लंबा जीना है, आपको क्या एक्टिविटी करनी है अपनी लाइफ में। आप अगर पेरेंट हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर आप पेरेंट हो तो छोटा बच्चा है, आजकल पेरेंट्स आर बिकमिंग, मतलब कपल्स आर बिकमिंग पेरेंट्स लेटर इन लाइफ एज अपोज टू अर्लियर, पहले मिड 20s में पेरेंट बन जाते थे, अब मिड 30s में पेरेंट बनते हैं। आप जब 50 साल के हो जाओगे और आपका बच्चा 15 साल का होगा, आप खेल पाओगे उसके साथ?
कैपेसिटी होनी चाहिए ना। आज का 50 ईयर ओल्ड नहीं खेल पाएगा, पहले का 50 ईयर ओल्ड माय फादर इज 62 वो 50 के लगते हैं और मैं अभी भी उनको बैडमिंटन के गेम खेल ले जा सकता। वो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में पिछले 30-35-40 साल में अलग ब्रेकफास्ट ना डिनर ही नहीं किया, तो वो नेचुरली बेनिफिट भी रहता है उसका, खाएंगे कुछ समझ नहीं आता, वही एक कटोरी दाल एक कटोरी सब्जी दो रोटी, मतलब वो उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता इसके लिए ज्यादा बोल रहा है। जो पुराने लोग होते हैं वो उनके ये रहता है कि पेट इसी से भरता है। सो एज अ पेरेंट आप खेल पाओगे अपने बच्चों के साथ, ठीक है, आप फिजिकली एक्टिव हो पाओगे अगर आप चाहते हैं, आपको भाई डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, कैंसर इतना ज्यादा आजकल लोगों को होने लगा है, आपको रहना दूर इन चीजों से। इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दीस थिंग्स यू टेक कंट्रोल एंड यू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। अगर आप नहीं कर रहे हैं हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, टाइम का एक्सक्यूज हो गया, वर्क का एक्सक्यूज हो गया, तो देयर आर टन्स ऑफ एक्सक्यूजेस दैट वी कैन मेक, बट द पीपल हु वांट टू डू इट एंड हु हैव टू डू इट विल डू इट। वी ऑलवेज थिंक राइट कि ये जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के फाउंडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने खड़ा किया, एप्पल खड़ा किया है, डिसिप्लिन था ना, मैं हमेशा घूम फिर क्या करता हूँ, डिसिप्लिन का पार्ट है। बिल्कुल सर। सर अभी एक स्टडी आई है नई नई, उसमें ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से अल्जाइमर डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है, तो ये हमारा आज का हाईलाइट है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इज इट ट्रू, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो जस्ट लाइक एनी अदर डिसऑर्डर वी वर डिस्कसिंग अल्जाइमर्स आल्सो, दो इट इज अ कंडीशन व्हिच इज एडिटेड, अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन, बट बहुत ऐसी रिसर्च आपको कहती है कि आप डाइटरी चेंजेस करके सप्लीमेंटेशन अच्छे से करके आप उसको काफी हद तक मैनेज करके रिडक्शन रिड्यूस भी कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को। हियर इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोफैजी विल कम इन टू पिक्चर। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे है तो जो सारा बॉडी अपना रिसोर्सेज खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रहा था, नाउ सडनली वो अपना आपको जो इम्यून सिस्टम है और आपके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो आपके डिजीज पे फोकस कर रहे हैं, they're helping you heal, they're helping you recover, body को extra time अपना digestion में नहीं लगाना पड़ रहा, वो और काम कर पा रहा है अपना, we'll be in some kind of medication, we'll be taking supplements, we'll be on the advice of the doctor, ठीक है, उस time पे हमें क्या बोलते हैं कि you need rest, rest is not only bed rest that you're only lying down, rest also comes from the food that you've been eating on a daily basis. फिर Alzheimer के patient की अगर आप बात करो, I would guarantee you 90% of them don't know what they have to eat. Why? Because people like us are not consulted for their conditions. Now hospitals में उनको कुछ फर्क पड़ता है कि consult करें, और unfortunately family वाले इतने डरे हुए होते हैं that they don't think कि we would be credible enough to help them. But ये जो holistic approach होती है wellness की, इसमें हम लोग exercise और diet जो हमारा forte है, supplementation, vitamins, ये इतने less talked about हैं subject, तो लोगों को पता ही नहीं कि उसका कितना value हो सकता है। Exactly. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि फास्टिंग एक ऐसा है कि आप जब वो डाइजेशन हो गया है पहले ही और अगर हमें टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी हील कर रही है, और जब हील कर रही है तो वो जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं उनके ऊपर भी फोकस है और उनको हील कर सकती है। तो एल्जाइमर ही नहीं, काफ़ी मुझे लगता है कि फिर ऐसी बीमारियाँ होंगी, ऐसी छोटी भी बीमारियाँ होंगी जो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकती है। एंड ये जो पढ़ा जाता है, जो स्टडी होती है कि बॉडी अपने आप को हील करती है, तो इट्स अ लेकिन तभी कर पाएगी जब उसको टाइम मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा, उसको रिसोर्सेज ठीक से आप दोगे। सर इंटरमीडिएट फास्टिंग हार्मोन रेगुलेशन में भी कुछ वर्क करती है? हार्मोन रेगुलेशन, हाँ ऑफ कोर्स शुरुआत सारी हार्मोन रेगुलेशन से होती है। आप अगर जबरदस्ती खाना खिलाते रहोगे और इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, उसी इंसुलिन के बिना हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन सेल में नहीं होता, तो आप ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कर रहे हो। तो अगर आप देखेंगे जो लोग ज्यादा खाते हैं या ज्यादा कैलोरी लेते हैं उनका बीएमआई ज्यादा होता है, इनपुट टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, जो ओबीस होते हैं या जो मोटे होते हैं, है ना, उनका आप इंसुलिन लेवल चेक करोगे ब्लड टेस्ट पर तो इट विल ऑलवेज बी वेरी वेरी हाई अबव नॉर्मल। तो क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन का बैलेंस होना शुरू हो गया, बॉडी का रिस्पॉन्स होना बेटर हो जाता है, और फिर उसके जो आउटकम है लाइक फैट लॉस हो गया, शुगर लेवल्स गिरना, कोलेस्ट्रॉल ठीक होना, वो साइकिल है, सब ठीक हो जाता है। तो शुरुआत हार्मोन से होती है, बिकॉज whatever we do to the body, okay, be it exercise, food, our thoughts, our sleep, वो सारे hormones को ही affect करते हैं किस तरह ऊपर नीचे। Okay. What works with what totally depends again on the discipline. Okay.
ओके सर, एक सवाल है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है या फिर योगा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो फास्टिंग कर रहे हैं बट वो बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर सके या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर सके, तो वो फास्टिंग कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि हाँ उनको बेनिफिट होगा, तो क्या ये दोनों इंटरट्वीन है या फिर ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं आई विल लुक एट एक्सरसाइज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन द साइड कि एक्सरसाइज देखो सबको करना बहुत जरूरी है. व्हाई वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज नाउडेज बिकॉज वी डोंट लाइक टू डू आवर ओन वर्क. आवर एल्डर्स लॉट ऑफ देम, मतलब हमारे सीनियर्स की बात करें जो 50-60 वाला एज ग्रुप है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन बिफोर मी, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज क्योंकि वो अपने काम ही खुद कर लेते हैं. और आप देखेंगे वो ना ओबेस हैं, मेजोरिटी ऑफ देम को प्रॉब्लम ये है, कुछ को होगी क्योंकि नेचुरली सबका खाना पीना एक्सरसाइज स्लीप सबका ठीक नहीं है, स्ट्रेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यू विल नोटिस दैट दे आर डूइंग देयर वर्क. वी सिट ओके इन ऑफिस, आइदर वी रनिंग आवर ओन बिजनेसेस, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, और वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री डूइंग वर्क फॉर समवन एल्स, काम ही करते रहते हैं, हिलते डुलते बिल्कुल नहीं, वी डोंट मूव, मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं जीरो. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक आउट टाइम. सो इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर मूवमेंट you will have problems, you can't help it. And if your numbers start going up, your sugar levels, your BP levels, your cholesterol levels, okay, when you start putting on weight, your joints start hurting, your neck and back starts hurting because you're on the computer the entire day, your efficiency at work will also reduce. यानी कि जो आप जिस चीज की वजह से आप अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एट द बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा. पूरा साइकिल है. So it's very important. Exercise को तो incorporate करना है. For starters, for the audience again, जो अच्छा लगता है आप करो. बस body को suddenly expose मत करो बहुत सारी exercise को. Like for example, लोगों ने सालों से कुछ नहीं किया है. And if you suddenly go and start lifting weights in the gym, or you suddenly go start doing like a Zumba or a dance class, anything, it's always about conditioning. Start slowly. You can start with yoga, and then you can migrate to something else that is more favorable to you. Okay. सर, अगर मिथ्स और मिसकंसेप्शन की बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर, तो ऐसा कुछ है जो आपने कभी एड्रेस किया हो या फिर लोगों ने आपसे पूछे हैं सवाल? इसमें तो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ये है कि जितना लंबा फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है मुझे. उस पर आई टोल्ड यू कि 12-14 आवर्स इज अ वेरी गुड टाइम एज पर जापानीज रिसर्चर्स, ठीक है, अभी स्टडी मैंने भी कुछ महीने पहले पढ़ी थी. इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है, जैसे कि आपने मुझे एग्जाम्पल दिया कि आई फास्टेड एंड नाउ आई कैन डू एनीथिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट. And then I can fast for just a couple of days and baki days I can do anything else. Again, it doesn't work like that. Okay. You need to make it a discipline, a part of your daily lifestyle for it to work efficiently and to give you long-term results. Results, kabhi bhi agar koi short-term dekh raha hoga, toh ye sab tarike bahut achhe hain. But dekho, at the end of the day, it is not what is going to happen to my body today or next month or after 6 months. It is what I will do to it 10 years, 20 years, 30 years down the line. Tab pata lagega kaun kitne paani hai. सर, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू. टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू, मैं यही जानना चाहूंगी कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी सोच रहे हैं इस वीडियो को देखकर कि हाँ उन्हें करनी चाहिए और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब तो अपने आप को हेल्दी रखना है, तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उनके लिए क्या टिप्स और सजेशंस हैं? सबसे पहले तो जैसे लाइक आई सेड, स्टार्ट स्मॉल, अपना 10 घंटे या 12 घंटे के बीच में कुछ स्टार्ट करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड दिस 10 या 12 घंटे शुड नॉट बी रात का 12 या 1 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बजे तक. ट्राई टू मेक इट अर्लियर, यानी कि डिनर टाइम से करिए. सी द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस विद द साइकिल ऑफ द सन, जिसको हम बॉडी का सर्कैडियन रिदम बोलते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू एवरीथिंग इन अ टाइमली मैनर. मे बी दीज टू थिंग्स, स्टार्ट स्मॉल विद 10 आवर्स, मे बी 11 आवर्स और 10 मे बी जस्ट फॉर स्टार्टर्स, एंड टाइमली finishing of your dinner for starters, and then take it from there one step at a time. Baki to there is enough information here to take it on from there. True, sir. Thank you so much for this great interview once again, sir. Mujhe lagta hai ki bahut awareness aayi intermittent fasting ko lekar, and once again, thank you.